Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. Substation equipment testing series में आज हम देखने जा रहे हैं breaker timing test. Substation equipment testing series में CT का testing किस तरह से होता है उसके लिए हमने video बना के रखे हैं, जिसके link description box में दे रखी है. Kindly visit करें. EHV ट्रांसफार्मर टेस्टिंग किस तरह से होता है उसके लिए भी वीडियो बना के रखे हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. आप उसको विजिट करें और सीखें. सर्किट ब्रेकर के प्री कमिशनिंग टेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देखा था, और उसमें से हमने ब्रेकर का CRM टेस्ट किस तरह से होता है वो देख लिया है, और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है. आज हम देखेंगे ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट किस तरह से लिया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट. सबसे पहले तो ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट क्या है, सही है, वो जानेंगे, और वो किस तरह से लिया जाता है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे. ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट क्यों है वो भी जानना जरूरी है. तो जब हमारा फॉल्ट आएगा कोई भी, तो फॉल्ट का क्लियरिंग टाइम जो होता है, यानी कि रिले सेंस करेगा और उसके बाद ब्रेकर को कमांड देगा और ब्रेकर ट्रिप करेगा, तो उसके लिए टोटल कितना टाइम जाता है, यानी कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, उसमें ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट बहुत हेल्प करता है कि ब्रेकर का टाइमिंग कितना है ट्रिपिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए और CO के लिए. वो आगे देखेंगे कि क्या होता है, और वो टाइमिंग के हिसाब से हमारा टोटल क्लियरिंग टाइम जो होता है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं. ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट क्या है? ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट जो है वो है ब्रेकर का टाइम क्लोज और ओपन होने के लिए जो टाइम लेता है वो टाइम को मेजर करते हैं, उसको ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट बोलते हैं. डिटेल में देखें तो जब ब्रेकर का जो क्लोजिंग या तो ट्रिपिंग कॉइल को हम पॉजिटिव कमांड देते हैं, उसके बाद ब्रेकर का जो कांटेक्ट है वो ओपन या तो क्लोज होता है, उसके बीच का जो भी टाइमिंग है उसको हम ब्रेकर टाइमिंग बोलते हैं. और वो मेजर किस तरह से किया जाता है वो हम देखते हैं. यहाँ पे जो दिया गया है वो एक सिंपल सा ब्रेकर है. ब्रेकर में क्या क्या होता है, तो एक मैकेनिज्म होती है, उसमें एक मोटर होती है स्प्रिंग चार्जिंग के लिए, एक क्लोजिंग कॉइल होती है, एक ट्रिपिंग कॉइल होती है, और पावर लाइन के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सही है. तो हम यहाँ पे टाइमिंग जो मेजर करने वाले हैं वो क्लोजिंग कॉइल को जब यहाँ से कमांड मिलेगा वहाँ से लेके ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो गए तब तक का जो टाइमिंग होता है उसको ब्रेकर क्लोज टाइम बोलते हैं. देखिए इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टाइमिंग है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये जो कॉन्टेक्ट क्लोज होगा उससे लेके ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्लोज होने तक का टाइम, देखिए टच हुआ और ये क्लोज हुआ, तो ये जो टाइम है वो हमारा ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम है. उसी तरह से यहाँ पे जो ये ट्रिपिंग कॉइल है, तो ट्रिपिंग कॉइल को कमांड मिलेगा वहां से लेके ये कॉन्टेक्ट ओपन होने तक का जो टाइम है उसको हम ट्रिपिंग टाइम बोलेंगे. देखिए इस तरह से कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ और ये ओपन हुआ और यहाँ पे टाइमिंग मेजर हो गया, ठीक है. तो इस तरह से इसको ओपन टाइमिंग बोलेंगे. तो इस तरह का टाइमिंग टेस्ट होता है जो कि हम टाइम में कितने टाइम में ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है उसका मेजरमेंट करेंगे. हमने जो कॉन्टेक्ट की बात की कि अंदर जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो ओपन क्लोज होते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट इस तरह से होते हैं ब्रेकर के अंदर, और यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है यानी कि ब्रेकर क्लोज होता है और ओपन होता है. चलिए उसके लिए एक वीडियो देखते हैं. देखिए यहाँ पे जो ये दोनों कॉन्टेक्ट है, एक फिक्स कॉन्टेक्ट एक मूविंग कॉन्टेक्ट, तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज होने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम हम मेजर कर रहे हैं, और फिर से ये कॉन्टेक्ट ओपन होने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम हम मेजर करेंगे.
तो ये हमारा टाइमिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें ये फिक्स कांटेक्ट है और वो मूविंग कांटेक्ट है, मेल कांटेक्ट, फीमेल कांटेक्ट, इस तरह से। जैसे कि हमने देखा कि दो कांटेक्ट होते हैं ब्रेकर के अंदर, वो दोनों कांटेक्ट क्लोज और ओपन होने के जो टाइम होता है उस टाइम को हम मेजर करेंगे और वो टाइम मिली सेकेंड में रहेगा, ठीक है। टाइमिंग टेस्ट मेजर करने के लिए एक कंप्लीट किट रहता है जिसको ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट किट बोलते हैं। वो इस तरह से होती है। अगर हम सामने से ये किट देखेंगे तो ये किट इस तरह से होगी, जिसमें यहाँ पे आर फेज, वाई फेज, बी फेज में हमारा टाइमिंग दिखेगा और यहाँ से हम वायरिंग करेंगे। उसके लिए हमें जो वायर चाहिए वो यहाँ पे इस तरह से है, और टाइमिंग कमांड देने के लिए एक और वायर होता है, वो इस तरह से होता है। जब भी ईएचवी सबस्टेशन में हम कुछ काम करेंगे और टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो टेस्टिंग किट है उसको हम अर्थ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्थ देंगे, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे और ये स्विच है किट का, ठीक है। और यहाँ से हम कनेक्शन देंगे। अभी यहाँ पर जो आर आर डैश है तो वो आर फेज का कनेक्शन है, वाई वाई डैश वाई फेज का कनेक्शन है, और बी बी डैश है वो बी फेज का कनेक्शन है। और यहाँ पर जो है वो ये पॉजिटिव यहाँ पे देना है, यहाँ से क्लोजिंग कमांड निकलेगा और यहाँ से ट्रिपिंग कमांड निकलेगा। वो किट खुद कमांड देगी और उसके हिसाब से टाइमिंग मेजर करेंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा कि जो आर है वहाँ से हम एक कनेक्ट करेंगे ब्रेकर के एक तरफ, यानी कि जो इंटरप्टर है उसके एक तरफ हम कनेक्शन लगाएंगे। आर डैश है उसको हम ब्रेकर के दूसरी तरफ में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन होगा। यहाँ पर टेस्ट समझने के लिए हमने सिर्फ एक ही कनेक्शन दिया आर फेज का, तो वैसे ही वाई एंड बी फेज का कनेक्शन हमें वाई फेज के पोल और बी फेज के पोल में देना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा मैश हो जाएगा, इसलिए हम एक ही फेज दिखाएंगे। और उसके बाद का जो कनेक्शन आता है वो है ये। यहाँ पे क्या होता है कि किट जो होती है वो कमांड भेजती है ब्रेकर को ट्रिप और क्लोज करने के लिए, तो वो कनेक्शन करना होता है। उसके लिए जो ब्रेकर की मैकेनिज्म होती है उसके अंदर वो कनेक्शन होते हैं, और उसके लिए हमें देखना होगा ब्रेकर का ड्राइंग। तो ब्रेकर का ड्राइंग इस तरह से होता है, उसमें ब्रेकर की क्लोजिंग सर्किट और ब्रेकर की ट्रिपिंग सर्किट दी गई होती है। तो हमें किस तरह से कनेक्शन करना है वो देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए कि K1 है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमें यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके बाद क्लोज है, तो ब्रेकर का क्लोज कमांड यहाँ से दिया जाएगा, यानी कि 8 नंबर की टीबी से, और ब्रेकर का ट्रिप कमांड जो है वो 9 नंबर की टीबी से देना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो टीबी किस तरह से होगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से टीबी अंदर ये जो मैकेनिज्म बॉक्स है उसके अंदर रहेगी। तो यहाँ पे 1 नंबर पे हमें पॉजिटिव देना है, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव हम उठाएंगे और यहाँ पे किट में दे देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी हमें यहाँ से क्लोजिंग का कमांड लेके जाना है, तो क्लोजिंग का कमांड हमें यहाँ पे 8 नंबर की टीबी पे देना है। यहाँ पे 8 नंबर की टीबी है, तो हम क्लोजिंग कमांड यहाँ पे 8 नंबर की टीबी पे देंगे, और जो ट्रिपिंग कमांड है उसको हमें 9 नंबर की टीबी पे देना है यहाँ पे, तो हम ट्रिपिंग कमांड यहाँ पे 9 नंबर की टीबी को देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ब्रेकर का कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें किट में सप्लाई देना है, तो सप्लाई हम यहाँ पर देंगे और किट को हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही यहाँ पे 00 लिख के आ जाएगा।
अभी हीट में यहाँ पर चार बटन्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला रिसेट का बटन है, उसके बाद क्लोज का बटन है, उसके बाद ट्रिप का बटन है और इसके बाद सीओ का बटन है। एकदम सिंपल सा किट है कि हम क्लोज का बटन दबाएंगे तो किट है वो क्लोज का कमांड भेजेगी। चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पर जब हम क्लोज का कमांड दबाएंगे तो क्या होगा कि किट जो है वो क्लोज का कमांड भेजेगी और ब्रेकर क्लोज होगा और उसका टाइमिंग यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये क्लोज का बटन दबाया, ठीक है, और ब्रेकर ऑपरेशन होगा और ये आ गया हमारा क्लोजिंग टाइम। तो अब हम इसको नोट कर लेंगे, ये 45 आर फेज, 46 बी फेज एंड 45 बी फेज। तो यहाँ पे हमारा आर वाई बी का जो क्लोजिंग का टाइमिंग है वो मिली सेकेंड में आ गया है। ये क्लोज ऑपरेशन हो गया। अभी हम ओपन ऑपरेशन देखेंगे, ब्रेकर हमारा क्लोज है तो हम ओपन ऑपरेशन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है ट्रिप का कमांड, तो ओपन ऑपरेशन देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रिसेट बटन दबाना होगा। रिसेट बटन दबाने से ये सारा जीरो हो जाएगा फिर से। अभी हम ट्रिप कमांड देंगे किट से तो ब्रेकर ट्रिप करेगा। देखिए ट्रिप कमांड दे दिया और हमारा ब्रेकर ट्रिप हो गया। उसका जो मिलीसेकंड में रिजल्ट आया वो है 31 मिलीसेकंड, 30 मिलीसेकंड एंड 31 मिलीसेकंड। अभी हम फिर से यहाँ पे उसको नोट करके रिसेट बटन दबाएंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। अभी इसके बाद एक ऑपरेशन आता है, वो होता है सीओ ऑपरेशन, क्लोज ओपन ऑपरेशन, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। क्लोज ओपन ऑपरेशन में क्या होता है कि ब्रेकर क्लोज होगा और तुरंत ओपन हो जाएगा। और ये क्या होता है कि हमारा स्विच ऑन टू फॉल्ट जब भी ब्रेकर करेगा तो उसमें ये काम आएगा कि ये कितने सेकंड में स्विच ऑन टू फॉल्ट क्लियर करेगा। तो अब हम सीओ का बटन दबाएंगे, सीओ का बटन दबाते ही ब्रेकर क्लोज होगा, ओपन होगा और ये हमारा रिजल्ट आ गया ब्रेकर क्लोज ओपन का। यहाँ पे 34 मिलीसेकंड, 35 मिलीसेकंड एंड 34 मिलीसेकंड। तो इस तरह से हमारा ब्रेकर का जो ऑपरेशन है वो तीनों क्लोज, ट्रिप एंड सीओ ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और उन तीनों के रीडिंग्स हमारे पास आ गए। फिर से हम रिसेट दबाएंगे तो किट रिसेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट होता है, सही है। सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट का जो रिजल्ट होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है। उसमें आर फेज में क्लोजिंग का टाइम, ओपनिंग का टाइम एंड सीओ का टाइम, यानी सीओ वन। तो यहाँ पे ओपनिंग एंड सीओ वन है तो हमारी जो ट्रिपिंग कॉइल वन है उसके लिए हमने ये रिजल्ट लिए है। उसी तरह से वाई फेज में और बी फेज में, यहाँ पे हमारे पास अगर ओपनिंग कॉइल टू हो, यानी कि ट्रिपिंग कॉइल टू हो, तो हम उसको भी इसी तरह से मेजर करेंगे और ट्रिपिंग कॉइल टू में हम कनेक्ट करेंगे हमारा ट्रिपिंग का कनेक्शन और उसका भी रिजल्ट इस तरह से लेंगे। तो आज हमने देखा ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट, और टाइमिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो होता है हमारा उसमें बहुत ही हेल्प करता है। तो आगे अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और एक टेस्ट। देखते रहिए इनसाइट टेक।